गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम, फफूंदी के बारे में। कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। पेनिसिलियम को ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है, नीली या हरी फफूंद के नाम से जाना जाता है। हम पेनिसिलियम को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर पेनिसिलियम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन, वो इसी से बनाई थी, पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। आजकल जो बनाई जाती है एंटीबायोटिक वो बनाई जाती है पेनिसिलियम से, क्राइसोजीनम से। तो ये देखते हैं कि पेनिसिलियम, यहाँ हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे पूरा, पेनिसिलियम क्या है। सिस्टमेटिक पोजिशन की बात करें तो किंगडम माइकोटा, माइकोटा में इसको रखा गया है। डिवीजन यू माइकोटिना ट्रू फंजा जिसके अंतर्गत आती है। क्लास एस्कोमाइसिटीज, सभी क्लास का डिवीजन पहले बताया गया है कि पूरी क्लास का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस आधार पर है, उसके स्पोर के आधार, एस्को स्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कस नामक संरचना बनती है, सेक फंजाई एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। एस्कस सेक नुमा संरचना बनती है और एस्को स्पोर बनते हैं, और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको कहा जाता है एस्को कार्प। इस एस्कोमाइसिटीज को सब क्लास में डिवाइड गया है तीन में, इसका आधार है एस्कोमाइसिटीज को किस आधार पर बांटा गया तीन सब क्लास में, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। फलन का फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, एस्को स्पोर के चारों ओर कवक तंतु को घेर लेते हैं। तो किस प्रकार हो सकती है, तो यहाँ प्लेक्टोमाइसिटीज का मतलब है कि यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है वो पूरी बंद प्रकार की है, क्लोज प्रकार की पाई जाएगी, पूरी बंद पाई जाती है। तो कहा जाता है क्लिस्टोथीसियम प्रकार की, क्लिस्टोथीसियम बंद प्रकार की बॉडी पाई जाएगी जिसके अंदर एस्को स्पोर एस्कस पाए जाते हैं, और एस्कस के अंदर बहुत सारे आठ एस्को स्पोर पाए जाते हैं। तो ये पूरी विशेषता है प्लेक्टोमाइसिटी की। यूरोसियल्स ऑर्डर के बाद लगता है एल्स, एल्स का यूरोसियल्स का मतलब है यहाँ पर कोनिडियम पाए जाते हैं, कोनिडियम बनते हैं, श्रृंखला में बनते हैं कोनिडियम। और यूरोसियेसी इसकी फैमिली है और जीनस है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम की स्पीसीज है, पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीसीज है। ये जो पेनिसिलियम है ये सेफ्रोफाइट होता है, सेफ्रोफाइट का मतलब ये है कि मृतोपजीवी सड़े गड़े पदार्थों, रोटी ब्रेड मांस और चमड़े आदि पर ये पाया जाता है, सब्जी आदि पर, पनीर पर ये उगता है। तो कैसा हो गया, यहाँ पर पोषण किससे लेगा, मृतोपजीवियों से लेता है। हालांकि ये कुछ जातियां इसकी जो है वो, जैसे देखें कि पेनिसिलियम एक्सपेंशन, पेनिसिलियम एक्सपेंशन ये जो स्पीसीज है ये सेब को नष्ट करती है। पेनिसिलियम विजिटेटम, विजिटेटम ये है नींबू और नारंगी को, नींबू और नारंगी को नष्ट करती है। इसकी कुछ जातियां जो है वो मनुष्यों और पशुओं में भी रोग पैदा करती है। तो ये सड़ी गड़ी पदार्थों, लट्ठों को, लट्ठों पर भी पाया जाएगा, सब्जियों पर, मृतोपजीवी भी है, और कुछ में ये सेब पर और नींबू नारंगी में भी रोग पैदा करता है। कुछ इसकी जातियां जो है वो क्या होंगी, मनुष्यों और पशुओं में भी रोग पैदा करती है। तो अब हम बात करें इसके कवक तंतु की, तो इसमें सुविकसित कवक तंतु पाया जाता है पेनिसिलियम के, माइसिलियम हाइपी की बात करें तो सुविकसित कवक तंतु पाया जाता है। ये सुविकसित कवक तंतु है, शाकित होगा, शाकित भी होता है, शाकित पाया जाता है कवक तंतु, सुविकसित होगा, शाकित पाया जाता है। एक केंद्र की होता है ज्यादातर, एक केंद्र की कवक तंतु पाया जाता है। कुछ जातियों में ये जो कवक तंतु है यहाँ पर दो कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं, कवक तंतु ये है और दो कवक तंतु ये है, तो इसका एक केंद्रक और इसका एक केंद्रक, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो ये हो जाता है द्विकेंद्र की अवस्था, एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जा सकते हैं। तो ये क्या है, सामान्यतः तो क्या होगा, पटयुक्त है, पटयुक्त पाया जाएगा, एक केंद्रक पाया जाता है जो कि जेनेटिक रूप से समान है, एक ही केंद्रक है। पट होंगे वो छिद्रित होते हैं जिसके कारण से कोशिका द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है लेकिन केंद्रक नहीं। और कुछ बाद, कुछ जो है कुछ समय बाद क्या हो सकता है, कभी कभी दो कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ दोनों कवक तंतु की वैशिष्ट जो है वो गल जाएगी और जो कवक तंतु वो कैसा हो जाएगा, द्विकेंद्र की। तो यहाँ जो केंद्रक है वो अलग अलग कवक तंतुओं से आए हैं तो ये जो है वो हेट्रोकैरियोटिक होगा,
हेटरोकैरियोटिक, विषम केंद्रीय जीन क्योंकि दोनों के अलग अलग है तो ये हेटरोकैरियोटिक प्रकार का पाया जाएगा यहाँ पर कवक तंतु। तो ये देखते हैं हम कि ये जो सोमेटिक हाइपी है, देखिए इस प्रकार के कवक तंतु है, एक कोशिका में दो दो कवक केंद्रक पाए जा रहे, प्रत्येक कोशिका के अंदर दो हो सकते हैं, तो दो हुए तो हेटरोकैरियोटिक अवस्था होगी, वहां पर दोनों केंद्रक असमान होंगे। जिसका अधिकतर भाग तो क्या है कि पोषण के अंदर सतह पर पाया जाता है, कुछ भाग इसका बाहर निकला हुआ आपको दिखाई देगा, ज्यादातर कहा होगा जो जिस किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाएगा, फलों सब्जियों के अंदर, और कुछ इसका बाहर भाग दिखाई देगा। तो यह अब हम बात करें कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की बात है पेनिसिलियम में, तो पेनिसिलियम में वेजिटेबल रिप्रोडक्शन सिंपल सा है कि फ्रेगमेंटेशन से कोई कवक तंतु वहां से टूट जाए और पृथक होकर के नए कवक तंतु का कवक जाल बनाएगा, नए कवक तंतु कवक जाल का निर्माण करेगा। मेन बात यहाँ पर आती है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है कोनिडिया के द्वारा, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, ये इसी के आधार पर मैं लिख दिया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा होता है। तो कोई भी एक शाखा हो जाएगी वो उदग्र हो जाएगी, जैसे शाखा बन गई इसको बोलते हैं जो कोनिडियम का निर्माण करता है, इसको कहा जाता है कोनिडियो फोर, एक केंद्र दो केंद्र हो सकते हैं, ये है कोनिडियो फोर, जिस पर कोनिडिया बनते हैं उसको कहा जाता है कोनिडियो फोर। यहां पर ये जो है ये शाखित हो जाती है, इनको कहा जाता है प्रांगुलधर, ये प्रांगुलधर बन जाएंगे इसके ऊपर, कोनिडिया के ऊपर क्या बन जाएंगे, मैचुली, ये कैचुली बन जाती है। इसके ऊपर ये जो है इस मैचुली बनाए केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ये जो मैचुली इसके ऊपर भी बोतल के समान संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार की बोतल नुमा संरचनाएं बन जाती है, बोतल के समान जो बोतल जालाइक स्ट्रक्चर है इनको कहा जाता है स्ट्रिग्मेटा, प्रांगुल और फाइलाइड को कहा जाता, तुम्बिकाएं को कहा जाता फाइलाइड्स। स्ट्रिग्मेटा कहा जाएगा, तो ये तो क्या बनेगी कोनिडियो फोर बीजाण कोनिडियम धर, इसके ऊपर बनेगी म्यूचुअली, बोलता है इनको कहा जाएगा म्यूचुअली कहा जाएगा प्रांगुल, और प्रांगुल के ये म्यूचुअली है और इसके ऊपर बनेंगे बोतल लाइक संरचना बन जाती है, इनको कहा जाता है स्ट्रिग्मेटा या फाइलाइड। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रिग्मेटा है यहाँ पर कोनिडियम का फॉर्मेशन होता है, इसका जो केंद्रक है वो इसमें चला जाएगा और इस हिसाब से कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस प्रकार से कोनिडियम जो है वो श्रृंखला में बनते चले जाएंगे, ये कोनिडियम बन गए, बहुत सारे कोनिडियम बनते चले जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से जो कोनिडियम बनते हैं इसको कहा जाएगा बेसिपिटल क्रम, तला विषारी क्रम, शीर्ष पर क्या होंगे मैच्योर और इमैच्योर कहाँ होंगे आधारी भाग पर। तो ये पूरी जो संरचना बन जाएगी स्ट्रिग्मेटा फाइलाइड म्यूचुअली कोनिडियोफोर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर के ऊपर जो शाखाएं लगी वो शाखित हो गई, इनको कहा जाएगा म्यूचुअली, और फिर इसके ऊपर बन जाएंगी उगली नुमा जो संरचनाएं बन जाएंगी उनको कहा जाए बोतल के समान संरचना बन जाएगी, कहता है फाइलाइड्स, फाइलाइड्स के ऊपर पाई जाएंगी, फाइलाइड्स के ऊपर पाए जाएंगे कोनिडियम। तो ये है कोनिडियम धर, कोनिडियम धर, और ये है प्रांगुल धर, इसके ऊपर क्या लगी है प्रांगुल, जो जिसको धारण कर रहा है प्रांगुल धर, प्रांगुल को धारण कर रहा है कोनिडियम फोर, कोनिडियम को धारण कर रहा है तो कोनिडियम फोर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो दिखाई देती है पूरी की पूरी कोनिडियम जो है वो किस प्रकार दिखाता है झाड़ूनुमा, यहाँ देखिए ये जो है पूरा झाड़ूनुमा संरचना दिखाई देती है। तो लैटिन भाषा में पेनिसिलियम का मतलब है, लैटिन मतलब छोटा ब्रश, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये क्या हो गया शाखित हो गई, यहाँ पर स्ट्रिग्मेटा बन गए बहुत सारे शाखित हो गए, तो झाड़ूनुमा संरचना हो गई ब्रश लाइक, इसीलिए कहा जाएगा इसको पेनिसिलियम का नाम दिया गया है। और जो ये बनाए गए है कोनिडियम, इनका जो रंग होता है उसी के आधार पर कॉलोनी कैसी दिखाई देती है, इनका जो कोनिडियम है इनका रंग होगा उसी ज्यादा ब्लू और ग्रीन मोल्ड इनको दिखाई देती है कोनिडियम के रंग के आधार पर। नेक्स्ट बात हम जब करें तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल सा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में
दो कवक तंतु पास पास होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों आपस में लिपट जाएंगे। तो मेल वाले को कहा जाएगा एस्टोगोनियम और फीमेल वाला उसको कहा जाएगा एस्टोगोनियम और मेल वाला एंथीडियम, पुंधानी का निर्माण करेगा। ये जो पुंधानी है इसके चारों ओर एस्टोगोनियम चारों ओर लपट जाती है। यहां से इसका जो केंद्रक है एंथीडियम का, पुंधानी का जो केंद्रक है वो एस्टोगोनियम के अंदर एंटर हो जाएगा। कुछ हालांकि कुछ इसमें लिखा है कि वो एंटर नहीं होता है और एस्टोगोनियम के केंद्र की आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो सारा प्रोसेस वो की वही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन चरणों में संपन्न होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, तीन चरण पाए जाएंगे यहाँ पर। तो प्लाज्मोगैमी में कोशिका द्रव का संलयन होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होता है, एक ही कोशिका में दोनों केंद्र आ जाते हैं, डाइकेरोन अवस्था बन जाती है। कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, इसको कहा जाएगा कैरियोगैमी, केंद्रक लयन कहा जाएगा। और जब केंद्रक लयन हो जाएगा एस्कोजीनस हाइफी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्कस बन जाएंगे, तो वहां क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा और एस्कस जो केंद्रक बने हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं उसमें क्या अर्धसूत्री विभाजन आठ एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो पहले वाले वीडियो में बताया था किस प्रकार से एस्कस और एस्कोस्पोर बनते हैं। तो ये एस्कोगोनियम और एंथीडियम बन गए, दो अलग अलग फीमेल हो गया, मेल हो गया, कवक तंतु बन गए, केंद्रक इसके अंदर प्रवेश कर गया और ये जो केंद्रक है इसके अंदर प्रवेश करने वाला एस्कोजीनस हाइफी का फॉर्मेशन होगा, एस्कस, एस्कोस्पोर और फिर जो स्टाइल कवक तंतु है वो इसको चारों ओर से घेर लेते हैं पूरे को और वो किसका निर्माण करेंगे फ्रूटिंग बॉडी का। एस्कस क्या होगा, ये जो एस्कोस्पोर ये एस्कस बन गया और इसके जो कवक तंतु है वो चारों ओर से इसको घेर लेते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, ये जो है वो एस्कस, यहाँ पर एस्कस जो है वो मुग्धाकार है, मुग्धाकार होता है और फ्री है मतलब ब्रंथ इसके अंदर नहीं पाया जाता है। एस्कोस्पोर जो होंगे वो गोलाकार होते हैं और इसमें जो है आठ एस्कोस्पोर बनते हैं, कितने होंगे आठ, आठ एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, आठ एस्कोस्पोर बन जाते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और क्लिस्टोथीसियम नाम की संरचना बन गई, क्लिस्टोथीसियम फ्लोटिंग बॉडी, पूरा जो फ्लोटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम टाइप की बंद गोलाकार है जब इसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है। और जब इसका एस्कोस्पोर मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी भित्ति फट जाएगी पूरी पूरी और फिर एस्कस से एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए एस्कस से एस्कोस्पोर धीरे धीरे वातावरण में मुक्त हो रहे हैं। तो ये जो है पूरा बंद प्रकार की पाया जाएगी फ्लोटिंग बॉडी, क्लिस्टोथीसियम कहा जाएगा गोलाकार और बंद प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी का पाया जाना। ये स्टाइल हाइपी है, बीच बीच में कवक तंतु जो स्टाइल है, ये एस्कस बन गए बहुत सारे और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर, जो एस्कस होंगे वो अब्रंथ है, उनके अंदर ब्रंथ नहीं पाया जाता। हालांकि सब में क्या होता है ब्रंथ पाया जाएगा, इस प्रकार से ये एस्कस है जहां लगा हुआ ब्रंथ है इसका, लेकिन यहाँ कैसी है ऐसी गोलाकार है और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है एस्कोस्पोर पाया जा रहा है। तो अब्रंथ प्रकार की है, गोलाकार पाए जाएंगे ये एस्कोस्पोर, फिर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और अनुकूल समय आने पर इनका जर्मिनेशन होता है और एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और एक नए कवक तंतु का निर्माण होगा। यहाँ जो एस्कोस्पोर है उसमें द्विस्तरीय भित्ति है, बाहर वाली चिकनी हो सकती है या कंटक हो सकती है और अंदर वाली स्मूथ भित्ति पाई जाती है। एस्कोस्पोर की भित्ति द्विस्तरीय है, तो एस्कोस्पोर कैसे ये इसके बाहर एक रफ हो सकती है एस्कोस्पोर और ये हो गया, तो बाहर वाली भित्तियां तो स्मूथ हो सकती है, कंटक कांटे नुमा संरचना पाया जाता है, अंदर वाली भित्ति स्मूथ होती है। तो इसका जर्मिनेशन होता है तो अंदर वाली भित्ति से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, ये जर्म ट्यूब बन गई, जर्म ट्यूब बन गई, नलिका बन गई। इस प्रकार से जर्मिनेशन होकर के ये नए कवक तंतु का फिर निर्माण कर देता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल पेनिसिलियम की पूरी की पूरी। तो हमने देखा कि पेनिसिलियम को क्या लैटिन भाषा में इसको छोटा बुश नाम दिया गया है क्यों, और पेनिसिलियम को नीलिय फकुंदी कहा जाता है क्योंकि इसके जो कॉलोनी का उसका जो कोनिडियम का रंग है वो किस प्रकार का होता है, कौन सी आभा लिए होता है, किस प्रकार नीला और काला, नीला और हरा रंग का लिए होता है, इस कारण से इसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड नीली और हरी फकुंद भी कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।